सबसे बड़े तीर्थ धाम बन चुके पितृपर्वत में चल रहे हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भक्तों का तांता लगा हुआ है। एक ओर जहां महारुद्र यज्ञ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कनकेश्वरी देवी शिव पुराण की कथा कह रही हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और शहर के पूर्व महापौर कैलाश विजयवर्गीय भी इन दिनों भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। विजयवर्गीय का मानना है कि संसार में जहां शिव आराधना मंत्र साधना का सर्वश्रेष्ठ साधन है, वहीं शिव जी के रुद्र अवतार हनुमान जी की आराधना से सत्य की श्रेष्ठता, निष्ठा की दृढ़ता, संकल्प की पूर्णता और सेवक को ऐसा सामर्थ्य हासिल होता है कि वो दास स्वरूप को सार्थक करते हुए मानव सेवा में समर्पित हो जाता है। उसके जीवन में न कभी मन का भटकाव आता है और न स्वार्थ लोभ लालच मन में समाता है। व्यक्ति खुद तो पीड़ा से मुक्त हो जाता है, लेकिन दूसरों के दुख मिटाने का सामर्थ्य भी उसमें आ जाता है। विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि जब वो युवापन की तरफ बढ़ रहे थे, तभी से राम जी के भक्त थे और रामायण मंडली के साथ भजन गाते गाते हनुमान जी की राम भक्ति से इतना प्रभावित हुए कि मानव सेवा की राह तलाशने लगे। और इस दौरान भगवान की ऐसी कृपा हुई कि राजनीति ने जनता से जोड़ दिया। आम लोगों की राम जी को तलाशने और सेवक की तरह उनकी सेवा करने के भाव ने उनमें इतनी हिम्मत दी कि सारी राहें आसान होती गईं। विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि मैंने कभी चाहत नहीं रखी, जो मिला उसे स्वीकारा और कर्तव्य मानकर पूरी निष्ठा से पूरा किया। उसी तरह का धैर्य रहा जिस तरह का राम जी ने अपने लक्ष्यों को पूरा करने में अपने आप को समर्पित किया। विजयवर्गीय ने मित्रता को लेकर कहा कि मित्रता पवित्र होनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि जिनका कोई नहीं है, आप उनके हो जाओ। विजयवर्गीय अक्सर उपेक्षित लोगों के साथ पर्व मनाने का प्रयास करते हैं। उनकी होली और दिवाली अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में बनती है। विजयवर्गीय का मानना है कि अपना घर भरने में लगे रहोगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भोजन कराना और पुण्य कमाना उन्हें उनकी माँ ने सिखाया। जब भी कोई घर आता था तो माँ उन्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने देती थी। माँ का कहना था कि भोजन से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति यही कहता है कि भगवान भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। इसलिए यदि हमने किसी भूखे को भोजन करा दिया तो समझो ईश्वर का काम कर दिया। इसलिए माँ की इस सीख को याद रखकर भोजन भंडारे से पीछे नहीं हटता। बता दें कि 3 मार्च को भी पितरेश्वर धाम पर चल रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समापन के बाद भी नगर भोज का आयोजन रखा गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।